पूरा अंडरग्राउंड बना है, पर्सनल पार्टी वार्टी रखते होंगे। पापा बैठ जाते हैं, घड़ी घड़ी थक जाते हैं बेचारे, ताकि आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। यहाँ पे कोप में डालने के लिए गोले, यहाँ से शुरू होता है असली मजा। यहाँ अंदर कुछ है नहीं देखने जैसा, सब कुछ बाहर से जो दिख रहा है वही है। ये पूरा अंडरग्राउंड बना है। आरस पांडु है नहीं? दीवाने खास लिखा है इसको, दीवाने खास। तो इसमें शायद मेरे ख्याल से दवाई बवाई होती होगी दीवाने खास में, या फिर कुछ पर्सनल पार्टी वार्टी रखते होंगे वो लोग। खास महल इस पर कुछ लिखा हुआ है, खास महल की जानकारी दी गई है। यहाँ पे लिखा है कि ये निजी महल था, मैंने बोला था ना। तो उसमें क्या होता है कि प्रार्थना कक्ष होता है, तस्बीह खाना और इबादत के लिए यूज़ किया जाता है ये दीवाने खास, मतलब प्रार्थना के लिए यूज़ किया जाता है, इतना ही लिखा है। ये क्या है? अच्छा, ये पूरा अंडरग्राउंड ही है जाने के लिए अंदर दीवाने खास। देख लीजिए भाई, पहले के ज़माने में ये लोग ऐसे प्रार्थना करते थे दीवाने खास के अंदर। सब जगह पे दीवाने खास के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। मेरे पापा बैठ जाते हैं, घड़ी घड़ी थक जाते हैं बेचारे। थक जाते हो आप? तो आई थिंक ये वाली जो है मस्जिद है, और इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे लिखा है कि औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए उसका बनवाया था, और इसमें इबादत होती थी। इबादत तो समझ सकते हो आप, प्रार्थना। और ये मस्जिद एक चबूतरे पे बनाई गई है, बोलो। तो कुछ अलग किस्म की जगह है ये। तो यहाँ पे एक अभी क्या बोलते हैं उसको, म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम अगर अंदर से शूट करने देंगे तो मैं दिखा पाऊँगा आपको, वरना तो फिर निकल जाएगा, एग्जिट कर देगी यहाँ से। बहुत बड़ा है, देखिए बहुत बड़ा है। यहाँ तक फैला हुआ है पूरा, तो पूरा तो नहीं दिखा सकता, मैं भी थक गया हूँ अभी। तो बस यहीं से एग्ज़िट कर लेंगे, और रास्ते में आएगा म्यूज़ियम आएगा तो वो देखते जाएंगे हम लोग, बाकी आपके पैसे वसूल हो जाएंगे यहाँ पे 80 रुपये। और यहाँ पे कैफेटेरिया भी मिल जाएगा अंदर, खाना पीना यही सब, चाय कॉफ़ी और सब स्नैक्स वगैरह है, नूडल्स बर्गर ऐसा सब। छोले कुलचे, वहाँ पे आई थिंक म्यूज़ियम होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे भीड़ लगी हुई है। तो ये म्यूज़ियम है मेरे ख्याल से ये वाला पूरा। पर पूरा पेंटिंग में बनाया है। यहाँ पे पूरा 1857 में जो युद्ध हुआ था ना, उसके बारे में पूरा बताया है यहाँ अंदर से। और अच्छी जगह है वैसे। यहाँ पे भी कुछ वही डिटेल दी गई है।
जोयो जोयो गुप्त संदेश। ये प्रदर्शनी गैलरी 3 नंबर की है, दो हमने देख ली ऑलरेडी, और ये 3रे नंबर की है। और यहाँ से शुरू होता है असली मजा। चलो दिल्ली, जो राजा महाराजों ने यहाँ पे चढ़ाई की थी उसके बारे में पूरा। ये देखे गन, पुराने जमाने की गन। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे जो भी जो फोटोज़ देख रहे हैं आपको, वो पूरे जो जो लड़ाइयाँ हुई है 1857 के बाद, उसके बारे में दिखाया गया है। और ये देख सकते हो बंदूकें। पहले यहाँ पे ऊपर चमड़ा, मतलब जो गाय का चमड़ी आती है ना, वो लगा रहता था, इसकी वजह से युद्ध होते थे। और ये देखे कुहाड़ी। अब उसी के बारे में दिखाया है पूरा। और यहाँ पे है जो असली, जो मैं बोल रहा था आपको कि जो चमड़े की वजह से जो 1857 में जो हुआ था कि हम लोग बिना हथियार के युद्ध करेंगे, हम लोग ये जो गन है वो यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए उसकी वजह से 1857 में युद्ध हुआ था, मतलब बहिष्कार हुआ था ये गन का। और अभी हमें ऊपर जाना होगा शायद। यहाँ पे लिखा है गैलरी 4 से 9। बकरी ईद के दिन हमला। लाल किले पे हमला हुआ था उसके बारे में दिखाया गया है। आपको ऑडियो सुनाई दे रहा होगा। डिसीजन है अगस्त में ईद के दौरान होना दोनों धर्मों के बीच तनाव पैदा करने ईद के मौके पर इसका देखे कपड़े राजाओं के कपड़े अंग्रेजों से कराने के लिए दिल्ली में क्रांति के सैलाब के दौरान हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों मोरीगेट कश्मीर नजर और पाटन सराय के अन्याय चौदह सितंबर दिन आक्रमण ने 4 अलग पीढ़ियों को भेज दिया। कैसे नेतृत्व में एक उन्हीं का गोले कोप में डालने के लिए गोले। सब जगह पे इसी तरह से फोटोज रखे हुए हैं यहाँ पे, और उसके अंदर लिखा हुआ है सब जो डिटेल में। लखनऊ के बारे में दिखाया गया है लखनऊ में। अरे कुछ टीवी पे मूवी चल रही है, बस समझ में नहीं आएगा। बस यहाँ पे तो इतना ही था देखने लायक।
और कुछ है नहीं यहाँ पे देखने लायक, तो बस फोटोज़ वगैरह थे और जो थोड़ी थोड़ी सी पुरानी चीज़ें रखी थी। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं लाल किला से बाहर, पूरा देख लिया लाल किला, अभी अंदर तो बस यही देखना था जो मैंने दिखाया आपको वही है, ज़्यादा अंदर कुछ है नहीं, खाना पीना का चीज़ें है और गिफ्ट शॉप था वो मैंने दिखा ही नहीं क्योंकि उसमें कुछ मज़ा है नहीं। अभी एक फ़ोटो खींच लेता हूँ मैं यहाँ से, देख लें कि यहाँ से कैसा दिखता है। लाल किला के सामने ही ये पूरा बनाया है, यहाँ से अभी एग्जिट हो जाएगी हम लोग।